महाभारत में भगवान कृष्ण के किरदार से घर घर मशहूर हुए नीतीश भारद्वाज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में हैं। वह अपनी पत्नी स्मिता भारद्वाज से अलग हो चुके हैं और बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अब एक इंटरव्यू में एक्टर ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें स्मिता की तरफ से ये कहा गया कि बच्चों की कस्टडी उनके पास है। उन्होंने कहा कि पत्नी ने दावा किया एक इंटरव्यू में कि कोर्ट ने उन्हें बेटियों की कस्टडी दे दी है, जबकि ऐसा नहीं है। ई टाइम से खास बातचीत में नीतीश भारद्वाज ने कहा कि उनकी अलग रह रही पत्नी किस तरह से झूठ फैला रही है, जबकि मैंने अपने वीडियो में 23 मई 2023 का आदेश दिखाया है जहां जज ने इस बात का जिक्र किया है कि कस्टडी का मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। किसी को भी अभी परमानेंट कस्टडी नहीं दी गई है। इस मामले को लेकर अभी बहस होना बाकी है, उसके बाद ये तय होगा कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। उन्होंने कस्टडी की लड़ाई के बारे में आगे बताया। नीतीश ने कहा कि जब तक कस्टडी का मामला सेटल नहीं हो जाता, तब तक माँ जो अस्थायी रूप से कस्टोडियल पेरेंट होती है, वो मुझे जो कि नॉन कस्टोडियल पेरेंट है उसे बच्चों के बारे में सब कुछ बताए। इतना ही नहीं, उसे कोर्ट को भी ये बताना होगा कि जब भी कस्टडी को लेकर लड़ाई होती है तो कानून के मुताबिक फैमिली कोर्ट ऑटोमेटिक ही बच्चों की पहली कस्टोडियल बन जाती है और फिर नॉन कस्टोडियल माता पिता बन जाती है। स्मिता ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। नीतीश भारद्वाज ने बताया कि कैसे उनकी बेटियों का पढ़ाई इस मामले में प्रभावित हो रहा है। स्मिता बेटियों के एकेडमिक करियर से खिलवाड़ कर रही हैं। उनके भोपाल और ऊटी के स्कूल के बीच में लगभग 5 से 6 महीने का अंतर था। मुझे नहीं पता कि उस दौरान बच्चों ने पढ़ाई की भी या नहीं। वह उनके जीवन में पढ़ाई के मामले से लेकर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अस्थिरता पैदा कर रही हैं, जिसका असर मेरी बेटियों के जीवन और उनके पर्सनालिटी पर बहुत लंबा असर पड़ने वाला है।